हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, आप देख रहे हैं पूजा बुटीक, और आज हम बनाने जा रहे हैं नेक डिज़ाइन, वो भी गोटे के साथ। तो सबसे पहले मैंने बुकरम पे गला जो है वो कटिंग कर ली है, तो उसको हम कपड़े पे सिलाई करेंगे। तो ये है मेरा फ्रंट साइड। तो अब हम गले को सेंटर कर लिया है, देखिए अब मैंने निशान लगा लिया है बीच में और वी शेप दिया है मैंने सेंटर में। अब इसको हम सेंटर में रख कर बिल्कुल सेंटर, नीचे से भी सेंटर में कर लेंगे और इसके अटैच कर देंगे। तो ये मैंने अटैच कर दिया है और अब हमें इस पर सेंटर का निशान लगा लेंगे। ये देखिए, और ये जो है हमें, ये देखिए 6.5 मैंने सेंटर पे निशान लगाया और ये है गोटा, ये देखिए, और ये है एक सिंपल ब्रिक गोटा। तो हम पहले जो ये समोसे वाली है लेस, ये हम लगाएंगे, वो भी चोट्स में लगाएंगे। आप चौक से निशान लगा लें ताकि लेस हमारी टेढ़ी ना लगे। ये देखिए, ये मैंने लगा लिया है। अब हम देंगे एक ब्रिक गोटे की लाइनिंग, इस पर थोड़ा सा स्पेस बना के रखेंगे, बिल्कुल साथ साथ नहीं लगाएंगे। तो इसको हम ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं और इसी प्रकार हम इसके बराबर का स्पेस देते हुए लगाएंगे। जब आप हम इसको ये मोड़ते हैं, इसको चोर्स हम डब्बा जो बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, जब जो किनारी होती है मोड़ते हैं हम, उसमें सफाई होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी सफाई से नहीं मोड़ेंगे तो वो क्या शेप अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, एक पार्टी वियर सूट बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से हम डिज़ाइन बनाए तो। तो ये देखिए, ये मैंने फिर से समोसे वाली लेस लगाई है। हम फिर से हम ब्रिक गोटे की लाइनिंग देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इतना लगा दिया है, अभी और लेके आएंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कितना गले को जो डिज़ाइन है कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो मैं अभी इस पर और गोटा लगाऊंगी। ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गया है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि फिरकी भी ये गोटा लपेट लेते हैं और फिर लगाते हैं, वो अच्छी तरह से नहीं लगता है, तो आप ऊपर रख के ही लगाएं। तो ये देखिए बहुत अच्छा है। इस पर हम लगाएंगे डोरी अब। तो ये मैंने डोरी की जो बनानी है वो लटकन, वो मैंने इसकी कटिंग करी है। अब हम इस पर भी गोटे की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सीधा सीधा हम इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए गोटा लगाते ही जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी क्या है, गोटा लग के तैयार हो गई हैं। इसी तरह के हम चार तैयार कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी एकदम से बराबर से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके बिल्कुल किनारे पे वो समोसे वाली जो लेस थी वो लगाएंगे।
इसको हम जो लेस लगा रही है इसको हम सीधी मतलब सीधी तरफ रखेंगे। समोसियों की जो चूंचे हैं ऊपर वो हम ऊपर की ओर होनी चाहिए। तो ये देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इससे हमारी क्या फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये है डोरी, इसको हम सेंटर में रख के इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे, मतलब इसको हम एक साइड से बंद कर देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो ये देखिए कितने शानदार हमारे जो लटकन है वो बनकर तैयार हो गई हैं। और इसको हम इस तरह से जो जॉइंट है जो हमारा वो एकदम से अंदर की ओर ऐसे करके इसके हम जो ओपन है इसका जो होल जो है जिसे हम कह देते हैं इसका जो मुंह है इसका जो ओपन है वो हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारे जो लटकन हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और अब हम इसकी ये जो डोरी है हमारी जो ये हमने वी शेप का कट दिया है इसके किनारे पे रखेंगे और जोड़ देंगे। तो हम इसको एक नोट बना देंगे, नोट बनाएंगे तो ये देखिए ये हमारा सूट एक पार्टी वियर सूट जो बनकर तैयार हो गया है। और कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये गला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।